जिस आंख से कोई अपने पिता का पर अनादर की दृष्टि करे। हाँ देखो क्या लिखा है, कह रहा जिस आंख से अपने पिता के ऊपर कोई अनादर की दृष्टि करे, इसका मतलब आइस कहता है उसकी आंख को कौवे खोद खोद कर निकाल डाले। इसका मतलब अगर आप इस समय कहता है अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे, कहता है आपकी आंख को कौवे खोद कर निकाल डाले। आप किसे कहें परमेश्वर की आंख, कहता उन चीजों को नहीं देख रहे, कहता जो आप संसार की चीजों को लालच कर रहे हो, कहता लेकिन भीतर आत्मा कह रहा है हाँ वो लालच कब खत्म होता है, जब आप प्रार्थना करके वो चीज मांगते हैं तो वो लालच नहीं होता। याद रखना मैं आपको सिखा रहा हूं कि वो लालच नहीं होता। और यहां पर लिखा उसकी आशीषों को कौए को नहीं कह रहा हूं, कौआ खोद खोद कर निकाल डालने का मतलब एक कौआ तो ब्रेड देने के लिए आया, उस समय एंजल था, तो ये कौआ कौन है, ये कौवा, इसका मतलब ये कौवा शैतान है, वो आपकी आशीषों को निकालना चाहता है। इसलिए यहां पर क्लियर था वो तय करे कि जिस आंख से कोई अपने पिता के नादर की दृष्टि डाले। इसलिए हमारे शरीर के ये चार गेट इंपॉर्टेंट है, आंख कान करा मुंह और हमारा हार्ट हमारा मन, कहता है इसलिए हमें पवित्र आत्मा को बोलना है मेरे देह प्राण आत्मा पर यीशु मसीह का नाम और तेरा कब्जा हो जाए परमेश्वर। जब मैं जाऊं पवित्र आत्मा मेरी आंखों पर तेरा कंट्रोल हो, जब मैं किसी की बात सुनूं तेरे मेरे कानों पर तेरा कंट्रोल हो, मेरी आवाज पर तेरा कंट्रोल हो, मेरे मन पर तेरा कंट्रोल हो। मैं कह रहा हूं ऐसा व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, याद रखना बाइबल में ऐसे व्यक्ति कभी गरीब नहीं हुए, अगर वो गरीब थे तो परमेश्वर ने उनको रिच बना दिया। मैं कह रहा हूं ऐसे लोग झोपड़ी से बंगले में जाने वाले हैं अगले साल, याद रखना जाएंगे जो किराए पर हैं वो अपने मकान में जाएंगे, जो लोगों ने आज तक साइकिल पर जीवन दिया है वो अपनी गाड़ी में जाएंगे। मैं याद कह रहा हूं, याद रखो पवित्र आत्मा कह रहा है जिन पास्टरों ने उस दर्शन को नहीं देखा, जिन पास्टरों के पास भविष्यवाणी नहीं आई, मैं उनके लिए भी भविष्यवाणी कर रहा हूं, वो अपनी आंखों से पवित्र आत्मा के कामों को देखेंगे, पवित्र आत्मा के कामों को देखेंगे। मैं फिर से उनके लिए बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया है 2027 में आप अनिशा की आत्मा को उतरते हुए देखोगे, बड़े बड़े काम होते देखोगे, पवित्र आत्मा बहुत काम करने वाला है आपकी लाइफ में। लेकिन पवित्र आत्मा ये बता रहा है, कह रहा है कि इस बात के लिए कि ये परमेश्वर है और आप में आपसे 7 साल के बाद आप ऐसे काम देखोगे जो बाइबल में पुराने नियम में बड़े बड़े चमत्कार हुए, 7 साल के बाद आप देखोगे, 7 साल के बाद अभी चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं वही का चमत्कार हो जो घड़े ने किया, जो अलीशा ने किया, घड़े में मिराकल कर दिया, फलाने में मिराकल कर दिया, ठहर जाओ 7 साल में चमत्कार होने वाले। पवित्र आत्मा ने बताया, कहता वो काम होने वाला है, वो अकाल के दिन भी आने वाले हैं और चमत्कार भी होने वाले हैं, परमेश्वर वो काम करेगा। मैंने बहुत लोगों के लिए यहां बैठकर प्रार्थना किया और लोगों की गवाहियां आ रही है, पास्टर जी हमारे अकाउंट में किसी ने 10,000 डाल दिए। एक ने पाकिस्तान से बताया कि पास्टर जी मैं नौकर कहीं पोछा लगाती हूँ किसी के घर में या काम करती हूँ, उस मालिक ने दिल में पता नहीं क्या आया मुझे 50,000 रुपए दे दिए। कहता इसका मतलब क्या है, कौन है ये, करीब मैं आपका लाइव सुन रही थी, कौन है ये, परमेश्वर है, हमारी प्रार्थना से आपका काम होने वाला है। लेकिन आपको यह सिखाना पड़ता है मुझे पहले, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा जरा जब तक तू सिखाएगा नहीं तब तक मैं इनके काम नहीं खोलूंगा। क्योंकि कारण है जब आप वचन को सुनते हो तो उसके बाद आपको प्रार्थनाएं लगती है मेरी, कह रहा कि जब आप ये बात बोलते हो कि हाँ परमेश्वर आज के बाद मैं इन आंखों को ढक लेता हूं, कह रहा खुला है जो पात्र, खुला है जो दिमाग पाप के लिए, खुली है जो मेरी आंखें पाप के लिए, खुले है जो मेरे कान पाप के लिए, बुरे बुराई के लिए, मैं नहीं सुनूंगी किसी की बुराई, खुला है मेरा मुंह कर सारा दिन गालियां लेने के लिए, गलत बात बोलने के लिए, मैं पवित्र आत्मा अब ये नहीं करूंगी। परमेश्वर का आत्मा कहता है जब आप इस बात पर आ गए हैं तो कह रहे कि हाजिरा तू कुआं देखने वाली, और उसी समय फुरा उसने कुएं को देखा और उसने कहा सच में ये रहा कुआं। थोड़े दिन के बाद अगर आप ये प्रेयर कर रहे हो तो थोड़े दिन के बाद आप कह रहे हो अच्छा इतने साल हो गए मुझे मकान नहीं मिला, तो भविष्यवाणी कर रहे हो ऐसे लोग मेरे चैनल पर मेरे प्रेयर लाइन नंबर पर गवाहियां देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं अक्टूबर नवंबर में मैं आपको गवाहियां सुनाऊंगा, तरह मकानों की गवाहियां सुनाऊंगा। मैंने एक भविष्यवाणी किया था और आपको बता रहा हूं कि जब मैं चंडीगढ़ में पहली बार आया था मैंने कहा लोगों को स्कीम देगा परमेश्वर, और उस समय कोई गवर्नमेंट नहीं थी ये वाली, लेकिन गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने गरीबों को मकान देने शुरू कर दिए। 40 मेरे वॉलंटियरों के मकान है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं कभी किसी वॉलंटियर को पैसा नहीं देता, मैं कभी किसी को पैसा नहीं देता कि ले भाई ले जा भाई ले जा भाई, भाई मेरे पास नहीं था। लेकिन हाँ मैंने मेरी एक इच्छा थी कि पवित्र आत्मा तू मुझे इतना दे कि मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं। पवित्र आत्मा ने कहा कि सिर्फ तू प्रेम कर और कहता ये अय्यूब की तरह हाथ रख और बोल के परमेश्वर के मैं इन काम को कभी नहीं करूंगा। और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कहता कि तू उस समय कहता अय्यूब अपनी लाइफ में रिच हुआ, ऐसे रिच हुआ, और कहता है कि आदम ने
और हव्वा ने जो अपनी आंखों से देखकर पाप किया, कहता ये काम करके परमेश्वर में अपनी आंखों को कहता कि कोई भी अच्छी चीज को मैं ना देखूं, पवित्र आत्मा जी अगर मैं देखूं तो मैं उसमें गिरूं ना। याद रखना ये प्रार्थनाएं आपको रिच बनाने वाली है आपकी लाइफ में। मांग सकते हो, आपका अधिकार है, आपको जो मांगना आप मांगो, पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। लेकिन जकई को हम देखते हैं कि जकई ने अपने अंदर ये बात को सीखा। जकई ने कहा कि उस पेड़ को देखा, किस पेड़ को देखा, जिससे यीशु मसीह दिखाई देता था उसको डायरेक्ट। और आपको नहीं, लोग अपने कोठों से भी देख सकते हैं, कोई एमएलए मंत्री आता है तो अपनी छत से भी देख सकते हैं, लेकिन यहां पर जकई उस पेड़ पर चढ़ा, उसको कैसे पता था, क्योंकि उसने लालच का मन छोड़ दिया था, उसने अपनी आंखों को पैसे गिनने से छोड़ दिया था, उसने अपनी चीजों को कहना के सब कुछ को छोड़ दिया था, और उसने निकाल के परमेश्वर आंख से मैं कहता कि पवित्र आत्मा जी मैं अपनी आंखों को तेरे लहू में कवर करता हूं। और उसी समय उसको वो पेड़ दिखाई दिया, और जिस पेड़ पर वो चढ़ा उस पेड़ को यीशु मसीह ने देखा, और उस पेड़ पर देखा ये जकई, कहता रे आज ही मैं तेरे घर चलूंगा, आजा। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको लाइन में बैठ के मैं नहीं दिख रहा, आप मुझे नहीं दिख रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको देखने वाला है, आपके समर्पण के अनुसार देखने वाला है, आपकी जिंदगियों में वो काम होने वाला है। कहता है अगर आज आप रो रहे हैं, परेशान है, दुखी है, आपका बच्चा कोई कोमा में या हॉस्पिटल में है, कैंसर है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी, अगर कोई आप मुझे सुन रहे हैं, आत्मा मुझे बोल रहा है कि आज मैं किसी को देख रहा हूं दिल्ली के अंदर देख रहा हूं हॉस्पिटल में, मैं किसी को देख रहा हूं चंडीगढ़ के अंदर देख रहा हूं, मैं इसी समय अमृतसर के अंदर देख रहा हूं हॉस्पिटल में, मैं छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में देख रहा हूं किसी को, मुझे पवित्र आत्मा बोल रहा है, मैं ऐसे अमेरिका में देख रहा हूं, कनाडा में देख रहा हूं, कोई मुझे देख रहा है और उसके बच्चे वहां पर है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप अपनी आंखों से अपने बच्चों को प्रेस होता देखने वाले यीशु मसीह, आप देखोगे और रिश्तेदारों को फोन करना, पवित्र आत्मा काम करेगा इस मैसेज के बाद। यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि अपनी आंखों पर कंट्रोल करो, अपनी आंखों को परमेश्वर को दे दो, पवित्र आत्मा को कहो कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम कर कि मैं आज से अपनी देह प्राण आत्मा को अपने विचारों को आपको देता हूं। इसलिए यीशु मसीह ने यहां पर आकर भाला क्यों खाया, उसने अपने मन के गेट पर यीशु मसीह को दे दिया और परमेश्वर को दे दिया, अपने हाथों को परमेश्वर को दे दिया, अपने दिमाग के गेट को परमेश्वर को दे दिया। मैं कह रहा हूं उसका कब्जा था, शैतान कब्जा करना चाहता था, लेकिन याद रखना कि आपको कहता जब आप सुबह आपकी प्रेयर लिए, मॉर्निंग प्रेयर, एक मॉर्निंग वाटर भी है, याद रखना कि जब आप मॉर्निंग वाटर से मुक्त होते हैं उस समय मॉर्निंग प्रेयर में ये बात जरूर कहे कि परमेश्वर एक अनॉइंटिंग वाटर है, एक मॉर्निंग वाटर आपकी कुंडली में आता है, याद रखना उस मॉर्निंग वाटर से जब आप मुक्त होते हैं तो उस समय कहें परमेश्वर कि मैं आपको बता रहा हूं जो भविष्यवाणी सुनना चाहता है, भविष्यवाणी करवाना चाहता है या खुद भविष्यता बनना चाहता हूं, लोगों के लिए बता रहा हूं, जो आपको पवित्र आत्मा से ये गिफ्ट चाहिए, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको उसी समय पवित्र आत्मा से कहना है परमेश्वर मेरी आंखों पर, मेरी देह प्राण आत्मा पर तेरा कब्जा हो आज से, क्योंकि लिखा जो खुला है पात्र कहता है उसका नुकसान हो सकता है, खुला है जो बर्तन उसका ढक्कन में चोरी हो सकती है लेकिन और लोगों के ढक्कन में चोरी नहीं होगी। ये बात आपके अंदर अगर है तो ऐसे बच्चों को पवित्र आत्मा ढूंढ रहे हैं। आज रात के बाद आप उनकी प्रमोशन 3 महीने के बाद देखना, चेक कर लेना उनकी भविष्यवाणी कर रहा हूं ऐसे बच्चों की, कि जो बच्चे इस बात को कंट्रोल कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी मैं अपने परिवार के लिए अपने आप के लिए समर्पण करता हूं कि मुझे वो बनना है। पवित्र आत्मा जी आप परमेश्वर को बता रहे हो, परमेश्वर कह रहा मेरे ये 4 काम करके दिखा दे, मैं 3 महीने के अंदर ऐसे लोगों को रिच होता दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है, मैं घोषणा कर रहा हूं लोगों के लिए, और लिख लो डेट टाइम डाल लो आज से। अगर आपका कोई हीलिंग नहीं हुआ, आश्चर्यकर्म नहीं हुआ, मकान नहीं मिला, पवित्र आत्मा बोल रहा है ये पाप पर कंट्रोल करना, कहता है पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, कहता है आप स्टार्ट करो, ये 4 गेट बंद करो, कहता कि कान का, आंख का, मुंह का, मन का, हार्ट का, कहता लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गेट है आईज, इसकी कारण घुसता है, इसलिए इसके कारण ही आईज के कारण आया, और आईज कहता है यीशु मसीह की आंख पड़ी उसके ऊपर, नाटे के ऊपर और जकई के ऊपर आंख पड़ती है और बोलता है, कह रहा है कि तू कहां पेड़ पे चढ़ गया भाई साहब, तेरे साथ मैं चलूंगा, अगर अब तक नहीं पड़ी आंख तो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि आज आंख में आंख में आज सांस से नहीं देख रहा हूं, मुझे कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं, मैं उनके नाम देखता हूं, उनकी मैं सारी चीजें देखता हूं, मैं देखता हूं किसी कोई भाई है मुझे देख रहा है दिल्ली से, और उसका घर में येलो कलर का सूट डाला किसी ने, और एक बहन को मैं देखता हूं कहीं पर है वो, और व्हाइट कलर का सूट डाला है, और अभी इसी समय उसको दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, प्रॉब्लम्स कर रही है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि आप नहीं देख पा रहे लेकिन मैं देख पा रहा हूं आपको, और पवित्र आत्मा मेरी
स्पिरिचुअल आई से मुझे दिखा रहा है कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं बहुत लोगों को आशीषित करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको यही करना है कि जकेई को आगे परमेश्वर ने देखा। जब आप प्रार्थना करते हो आप यही रोते रहते हो और बोलते हो, बहुत बार कई लोग ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर क्या तू मुझे देख नहीं रहा। आप देखो ना आपके मुंह से क्या निकलता है, हमारे मुंह से यही निकलता है, परमेश्वर क्या तू मुझे देख नहीं रहा। परमेश्वर होता देख रहा हूं मैं तुझे, लेकिन क्या तू मुझे देख पा रहा है? कहता मैं तुझे देख रहा हूं कि तू क्या गलतियां कर रहा है और तुझे एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुझे वृक्ष बनाऊंगा, लेकिन तुझे अपने हाथों को उठाना है। और परमेश्वर को कह रहा है परमेश्वर कि आज पवित्र आत्मा जी देख, हम रोते रहते हैं परमेश्वर देख, मैं कोरोना वायरस में हूं। आज बहुत सारे लोग कोरोना वायरस में, क्रिश्चियन लोग भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस वायरस के बाहर आने का तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। कह रहा है कि प्रॉब्लम से आर्थिक तंगी में हो, कईयों लोगों की जॉब नहीं दिखाई दे रही, कईयों का बिजनेस बंद हो गया है। मैंने आप ऑनलाइन में दिखाया आपको, बहुत लोग अमेरिका, इंग्लैंड, इटली में, बहुत लोग कहीं भी, कहीं से भी, भारत में भी, पाकिस्तान से भी प्रार्थना कराते हैं और वो बोलते हैं कि पापा जी हमारे प्रॉफिट जी हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा सब कुछ ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि आप जब कह रहे हो परमेश्वर क्या तू देख नहीं रहा, हम 3 महीने से रोटी नहीं हमारे घर में, हमारी कार का बिजनेस बंद हो गया, हमारी ब्यूटी पार्लर बंद हो गया, हमारे कोई भी बिजनेस था वो बंद हो गया, क्या परमेश्वर तू देख नहीं पा रहा? मेरा पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपको सिर्फ ये 4 काम करने हैं। अय्यूब की तरह कहना है, अपने आंखों पर हाथ रखकर अय्यूब ने ये काम किया। जब वो झोपड़ी में चला गया, कुर्डी पर चला गया, गरीब हो गया, उसने ये काम किया। उसने आपको बता रहा हूं, बेशक आप किसी हालत में हो, आप बीमारी में हो, आप कर्जे में हो, आप समस्या में हो, आपके घर में लड़ाई झगड़ा है, आपकी कोई भी सोल्यूशन नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो जब आपकी सास आपके साथ झगड़ा करती है, जब आपकी बहू आपके साथ झगड़ा करती है, जब आपके माँ बाप आपके साथ झगड़ा करते हैं, जब बच्चे माँ बाप के साथ झगड़ा करते हैं, जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, तो सिर्फ प्रेयर में पत्नियां रो रो कर यही बोलती है, बहुत बार मेरी आत्मा में मुझे विश्वासी रोग दिखते हैं। मैंने कहा ये क्यों हो रही थी भाई साहब? मैंने प्रभु से पूछता हूं कई बार, तो प्रभु बोलता है ये बार बार यही बात बोल रही है। प्रभु को कह रही है कि प्रभु क्या तू मुझे देख नहीं रहा? मेरे पति को नहीं देख रहा, ये मुझे शराब पीकर चाटे लगाता है। क्या प्रभु तू देख नहीं रहा? मेरी पत्नी मेरे साथ बदतमीजी करती है। लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा क्या तू देख नहीं रहा है? लोग बोलते हैं और आहे भरते हैं। मैं आत्मा टूटता है ऐसे लोगों के लिए अंदर से, और रोता है, बोलता है। जब माँ बाप बोलते हैं परमेश्वर खुश नहीं रहता, उसका भी आत्मा शोकित होता है, और वो बोलता है ये मैसेज मुझे प्रभु ने इसलिए दिया कि आज से आपके घर में रिजल्ट आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। अरे आप भीख मत मांगो, आप भीख मत मांगो किसी से, आप मत कहो भाई साहब। मैं कह रहा हूं आपको, आपको मैं क्लियर कह रहा हूं, आपको अपने सिर पर हाथ रखना है, अपनी आंखों पर हाथ रखना है, प्रेम में जाना है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर भीख नहीं देने वाला, आपको परमेश्वर अनुग्रह देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर दया करने वाला है, आपके ऊपर डबल मसा उतारने वाला है। आज नई ताजगी आने वाली है। मैं कह रहा हूं कि नई ताजगी होना जरूरी है, एक गुलदस्ते में नए फूल होना जरूरी है। आप जब नई रीति से खड़े होते हो उसमें रिजल्ट देखोगे आप। आपकी जॉब अगर आप तक नहीं दिखाई दी, आपका घर आपको नहीं दिखाई दिया, आज के बाद दिखाई देने लगेगा। अपने हाथों को उठाओ, उठाओ, परमेश्वर मैं देखना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। आज ये मैसेज पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए, कह रहा मेरे प्रार्थना को सुनने के बाद कहता कि मैं इनको दिखाऊंगा। कह रहा जब मैंने बताया आपको शुरू से कि आदम ने, हव्वा ने देखा फल, तब पाप में गिरे, और उसी समय क्या हो गया, हाजिरा ने जब कह रहे कि देखा कि मैं पाप में गिरी हूं और प्रॉब्लम आ गई मुझे, उसने उसी समय अपनी आंख वाली बंद की। उसने कहा ये आग मुझे चाहिए ही नहीं यार। उसने उसी समय क्या किया, उसने आंख को बंद किया और उसने प्रार्थना ने किया, और पवित्र आत्मा ने कहा कि जा, कहता इसकी आंख अब खोल दे, इसको कुआं दिखा दे। अगर आपके लाइफ में ये बात है कि पवित्र आत्मा जी हाँ मैं इन आंखों से नहीं हूं, मैं बहुत बार वीजा लेने के लिए गई नहीं मिला, मैं इन आंखों से बहुत बार जॉब लेने के लिए गई लेकिन मेरी गवर्नमेंट जॉब अब तक नहीं मिलेगी, मैं इन आंखों से कितनी बार गई लोगों से हेल्प मांगने के लिए, बैंक में लोन मांगने के लिए गई लेकिन बैंक वाले ने मेरा लोन तक नहीं दिया। लेकिन आप इन आंखों को बंद करो, 2 मिनट के लिए अंदर जाओ कमरे में और प्रभु को बोलो प्रभु मैं आंखों से अब कोई पाप नहीं करूंगा, मैं यीशु के नाम में छिपाता हूं, और पवित्र आत्मा जी इस समय मैं आंखों से कहता स्पिरिचुअल आई से देखना चाहता हूं अपनी जॉब, अपना घर, अपना बिजनेस। मैं कह रहा हूं कि आपको थोड़े दिन के अंदर आपको आपकी जॉब दिखाई देने वाली है। आमीन बोलने वालों को अपना घर दिखाई देने वाला है, आपको एक नई गाड़ी दिखाई देने वाली है, आपको पवित्र आत्मा की ब्लेसिंग उतरने वाली है, अन्य भाषा मिलने वाली है। याद रखना कि आप प्रोफेट बन सकते हो, आपके अंदर से कह रहा कि पवित्र आत्मा आपको वो दिखाने वाला है, आपको आने वाला समय दिखाने वाला है, आपको वो डेट टाइम। याद रखना डेट टाइम की भविष्यवाणियों को जल्दी से नहीं करता, ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा ने जो जो मुझे बताया वो हुआ आज तक। मैं आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर है,
ये परमेश्वर है और आपकी विनतियों को सुनने वाला है, आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है। लेकिन यहां नीति वचन में 30:12 में क्लियर लिखा, वहां पर लिखा कि बहुत लोगों ने, लेकिन मेरी बात को सुनना ध्यान से, इस वचन को पढ़ फटाफट जल्दी से देखो। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में, जो अपनी आंखों में, अपनी दृष्टि में शुद्ध है, अपनी आंखों में शुद्ध है तो भी उनका मतलब अपनी नजर में शुद्ध है। क्या ऐसे लोग हैं जो अपनी आंखों में शुद्ध है? भाई साहब हमें लगता ही नहीं है कि मैंने खमंड किया, भाई साहब मुझे लगता ही नहीं है कि मैंने चोरी किया, भाई साहब मुझे लगता ही नहीं मैंने कभी झूठ बोला, मुझे लगता ही नहीं कभी, कह रहा हूं लोगों के लिए भाई बोल रही है, कह रहा अगर किया है या नहीं किया है, लेकिन कहता है कि किसी इंसान को नहीं पता मैंने क्या किया है। कई बार हमें नहीं पता लगता, इन बातों के लिए हमें शुद्ध होना पड़ता है। हाँ, फिर क्या करा? तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। हाँ, कह रहा है तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। भाई साहब आप जितनी मर्जी बार साबुन लगा दो, उसके बाद यूं रगड़ो देखो भाई साहब फिर मैल निकलता है। जब आप कितनी बार साबुन लगाते हो, मैं भाई साहब दो दो तीन तीन बार जब साबुन लगाता हूं नहा के, फिर मैं उसको रगड़ता हूं, पहले मैं बहुत काला था, मैं गोरा हो गया। मैं आपको बता रहा हूं, लॉकडाउन में नहीं बात कर रहा हूं, मैं जब प्रभु में आया था तो मैं उस समय बहुत काला था पास्टर छोंक की तरह, लेकिन उसके बाद मैं गोरा कैसे हुआ? मैंने वो साबुन लगाई, लेकिन मैंने देखा यार उस साबुन लगाने के बाद फिर मैं मैल निकालता हूँ, फिर मेरा मैल निकलता है, लेकिन उसके बाद फिर भी मेरा रंग काला। इतनी साबुन लगा के मैंने एक बड़ी बड़ी साबुनें खरीदी, बड़े बड़े फेयर एंड लवली लगाई, लेकिन रंग गोरा नहीं हुआ। लेकिन मैंने उस समय अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करना स्टार्ट कर दिया, और जब मैंने यीशु का नाम लगाना स्टार्ट किया, प्रार्थना किया, तो मेरा रंग साफ हो गया। हाँ, ये नेचुरल बात है, मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा करता है। ऐसे दिन आपके सामने ले आएगा जो आप देखना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, परमेश्वर नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन लोगों को भाई साहब एक ही बात पता है, आप सुनोगे तो रो भी बड़े हंसोगे। मैं एक बार बता रहा हूँ कि एक बार वैसे ही मैं किस्सा बता रहा हूँ, एक आदमी भगवान के पास जाता है और वो बोलता है कि भगवान खुश हो जाता है, कहता है एक इंडियन पे और एक साउथ अफ्रीकन नाइजीरियन पे खुश हो जाता है परमेश्वर। परमेश्वर बोलता है बोल नाइजीरियन तूने बहुत प्रार्थना करी, तू बता बेटे तेरे को क्या चाहिए? कहता है बस मेरे को यही चाहिए, मैं काला हूं नाइजीरियन हूं, कहता है मैं गोरा हो जा। परमेश्वर ने कहा जा तेरी इच्छा पूरी हो, तू गोरा हो जा। लेकिन उसी समय क्या हो गया, उसी समय एक इंडियन के पास जाता है तो इंडियन से पूछता है, तो इंडियन क्या कह रहा है? इंडियन कह रहा है परमेश्वर करा कुछ नहीं चाहिए, मन है। हरियाणा वाले के पास जाता है, आपको पता है हरियाणा वाले कैसे होते हैं, उसके पास जा रहा है और बोलता है करा परमेश्वर मन तो कुछ नहीं चाहिए, करा मुझे को कुछ नहीं चाहिए, करा जिसको तूने काले को गोरा बनाया ना मेरे दोस्त को, कहता तू उसको फिर से काला बना ले। मतलब खुद के अंदर एक जेलसी है, मतलब हम जिन आंखों से देखते हैं कि मेरा पड़ोसी अमीर हो गया, मेरे पड़ोसी में कार आ गई, अच्छा ए तू कहां गई थी, कौन से ब्यूटी पार्लर में गई थी, तेरा रंग काला था गोरा हो गया। आज हमारे अंदर ये भरा पड़ा है, इसलिए बाइबल बोलती है कि हमें अपनी आंखों पर कंट्रोल करना है। कहता जब हम कंट्रोल करते हैं, इसलिए कई बार हम अपनी बातों में, अपने विचारों में, हम बोलने में, हम सुनने में पाप कर जाते हैं। इसलिए यहां पर लिखा नीति वचन में कह रहे बहुत बार तुम्हारा मैल धोया नहीं गया है, लेकिन आज रात से मेरी प्रार्थनाओं की आपको जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि आज भविष्यता। बहुत बार बाइबल के अंदर पढ़ लो आप, इस बाइबल के अंदर कह रहे बहुत बार भविष्यता ने प्रार्थना किया और लोगों का मैल धोया गया, बहुत बार भविष्यता ने प्रार्थना किया और मैल धोया गया। ठीक है, मैं मानता हूं कि आप टीचिंग को सुनते हैं, लेकिन याद रखना कि भविष्यवाणी को सुनने के बाद आपके मैल धोए जाते हैं, आपके कह रहा के बंधन टूटते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैल धोया जाएगा जब आप यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं, जब आप पश्चातापी जीवन जीते हैं, जब आप प्रभु से बोलते हैं कि हाँ प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा, तो आज अपने हाथों को उठाऊं और कहूं पवित्र आत्मा जी आज मैं वो जीवन देना चाहता हूं, मेरी आप स्पिरिचुअलाइज खोल दे। और जब एलीशा कह रहा मुसीबत में था, बहुत सारे शत्रु उसको मारने वाले थे, तो वो क्या कर रहा था, उसका गेजी आया और बोलता है कह रहा है कि बहुत सारे शत्रु हमारे आसपास है, अगर आज किसी को कोर्ट में केस चल रहा है तो मैं आज आपकी आंखें खुलवाकर जा रहा हूं, आप सिर्फ प्रार्थना करो, आप ढक्कन लगाना स्टार्ट करो कानों पर, आंखों पर, अपनी देह पर, आत्मा पर, अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आप सिर्फ यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो। कहता है कि मैं ये नहीं कर रहा हूं ठाके टोकरी में बंद कर दो मूसा की तरह और उसको नदी में छोड़ दो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ऐसा काम करना है, मेरा आत्मा नहीं आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और आत्मा मुझे अंदर से तोड़ रहा है, निचोड़ रहा है और मुझे कह रहा है नींबू की तरह मुंह मत करो, नींबू की तरह मुंह कर लेते हैं, निचोड़ लेते हैं जब हम
टेंशन जो होती है, जब हम परेशानी में होते हैं तो अपनी शक्ल देखा करो शीशे के अंदर कैसी होती है, हमारी नींबू की तरह निचोड़ने वाली हो जाती है, हम बहुत निराश हो जाते हैं, हम बहुत टेंशन में चले जाते हैं जब हमें गुस्सा आता है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है इस समय परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि आज कहता मैं फिर से कह रहा तुम्हें फैलाऊंगा, फिर से तुम्हें वो चीजें दिखाऊंगा आपको, कहता इस प्रार्थना के बाद, कहता इस समर्पण के बाद, कहता अगर चार बातें आप अपनी लाइफ में करते हैं तो कहता है आपकी लाइफ में कहता है कि वो गेट आपको दिखाई देने वाले हैं जो अब तक नहीं खुले। इसलिए कहा तेरी क्रिसिया के ऊपर कभी भी अधलोक के फाटक पर बल नहीं होंगे। तो याद रखना ये फेसबुक फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को, कमेंट्स फैमिली को, कहता कि मैं उनको आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में कि आपके ऊपर कभी भी अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, और आपके लिए अगर जो फाटक बंद पड़ा है वो खुल जाए आज से यीशु मसीह नासरी के नाम में, वो खुल जाए आज से यीशु मसीह के नाम में, वो फाटक खुलने वाले हैं आपके लिए। क्या आप तैयार हैं इस फाटक को खुलवाने के लिए? अपने सिर पर हाथ रखें और आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, आज मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा और छुटकारे देगा, ये पवित्र आत्मा है। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर को बताएं। पवित्र आत्मा को कहें परमेश्वर, जैसे अलीशा ने पवित्र आत्मा जी अपने जीवन को समर्पण किया, आप इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं अपनी आंखों को तेरे लहू में कवर करता हूं, मैं अपने कानों को तेरे लहू में कवर करता हूं, मैं अपनी जुबान को, अपने सिर को, पवित्र आत्मा अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे लहू से ढांक लेता हूं। और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, जिन लोगों ने ऐसा सच में इस मेन गेट को, एंट्री गेट को पवित्र आत्मा आज ढांक लिया तेरे लहू से, तेरे वचन से, मेरे पिता इनके लिए सच में आज जैसे तूने हाजिरा को कुआं दिखाया, पवित्र आत्मा इनके लिए मैं वीजे के लिए द्वार खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके लिए गवर्नमेंट जॉब के द्वार खोलता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैं इनके लिए और नए मकान के लिए, नई नई आशीषों के लिए द्वार खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, इन लोगों के ऊपर तेरी दया हो जाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग खुल जाए, हर एक आशीष को खोल देता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम। आज पवित्र आत्मा तेरे वचन के द्वारा जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी आज सुना और आज उनकी जिंदगियों में बड़े छुटकारे होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।